निकाय चुनाव के नतीजे आए, भाजपा ने सबको धूल चटा दी। 16 में से 14 मेयर भाजपा के बने। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने 21,555 वोटों से अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रिजवान कुरैशी को हराया। इसके बाद पूरे शहर में सब कुछ केसरिया सा हो गया। विनोद अग्रवाल को लोगों ने कंधों पर उठा लिया, ढोल नगाड़े बजे और जीत का जश्न मना। भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने विजय हासिल करने के बाद जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जिन बातों को उन्होंने बताया था पूरे निश्चित रूप से पूरे होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे मेयर को लखनऊ बुलवाया, सभी का जोरदार स्वागत हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से विनोद अग्रवाल को मिठाई खिलाई और सबके सामने उनकी तारीफ भी की। बड़े ही गर्व की बात है कि मेरे पिता श्री विनोद अग्रवाल जी को योगी जी ने इतना सम्मान दिया। यह जीत सिर्फ विनोद अग्रवाल जी की ही नहीं, ये मुरादाबाद वासियों की है, हर एक कार्यकर्ता की है जिसने हमें आशीर्वाद दिया, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले। मैं मुरादाबाद की जनता से भी यही अपील, यह आग्रह करूँगी कि अब आगे आने वाले जो सपना मुरादाबाद का विकास का वीना जी ने भी देखा था और सब स्मार्ट सिटी की कह भी है, उसमें सब मिलजुल कर साथ दें। अब वक्त है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार हमारी है, प्रदेश में भी हमारी है, एक से एक कदम मिलाकर रखने का वक्त है। बजाय इसके आरोप और प्रत्यारोप के, अगर सारी जनता एकजुट होकर विकास की ओर ध्यान दे तो ये लक्ष्य ज़रूर ही पूरा होगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें आमंत्रित किया है उस पर। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनवाइट किया है, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी ये माँ का आशीर्वाद है जो हमारे साथ चल रहा है, कि लगातार 5 बार जीत के बाद इतना मुरादाबाद महानगर वासियों ने हमें प्यार और आशीर्वाद दिया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी सारी उम्मीदों पर हम खरे उतरे।